नमस्कार दोस्तों, बागवानी का शौक छोटा हो या बड़ा, लेकिन मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आपको हर घर में आसानी से मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, दूसरा ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ये हमको 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन के साथ साथ ये हवा में जो भी अनवांटेड केमिकल्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम फिल्टर करता रहता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भी इस प्लांट को अपने एयर प्योरीफायर प्लांट्स की लिस्ट में वेरीफाई किया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मनी प्लांट की टॉप 5 वेराइटीज, उनके नेम विद पिक्चर्स, उनकी प्राइसिंग और मेंटेनेंस की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए गार्डनिंग, प्लांट केयर टिप्स और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनी प्लांट की मोस्ट कॉमन वेराइटीज जो आपको हर घर में आसानी से मिल जाएगी, ये है जेड मनी प्लांट या ग्रीन मनी प्लांट। दोस्तों, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं या आपके पास पौधों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है तो ये प्लांट आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस प्लांट की सबसे अच्छी बात कि ये और मनी प्लांट्स की जितनी भी वेराइटीज़ है उनसे बहुत फास्ट ग्रो करता है। इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसको भी बहुत लो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। आप इस पे 2 से 3 दिन के टाइम इंटरवल में पानी देते रहिए, ये आपका साथ अच्छे से देता रहेगा। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 30 से 40 रुपए में ये प्लांट आपको किसी भी नर्सरी पे आसानी से मिल जाएगा। मनी प्लांट की सेकंड वैरायटी और मेरा सबसे फेवरेट ये है गोल्डन मनी प्लांट। दोस्तों, इस प्लांट की लीव्स आपको बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही लाइट और येलोइश कलर की इसकी ब्यूटीफुल पत्तियाँ आपके गार्डन को और भी सुंदर बना देगी। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको भी आप 2 से 3 दिन के टाइम इंटरवल पे पानी दीजिए। अगर आप चाहें तो इसको अपने इंडोर प्लांट्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, और अपने घर में अगर आपके पास हैंगिंग बास्केट है या आप पानी में भी इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये जो जेड मनी प्लांट मैंने पहले नंबर पे बताया है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। 60 to 80 रुपीज़ में ये प्लांट भी आपको किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगा, तो आप इसको नर्सरी से खरीद करके लाइए और आसानी से ग्रो कीजिए। दोस्तों, अगर आप मनी प्लांट परचेज करने की सोच रहे हैं तो अपने लिस्ट में आज ही मार्बल क्वीन मनी प्लांट को इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप इंडोर प्लांट से अपने घर को सजाना चाहते हैं तो इससे अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट आपके लिए नहीं हो सकता। दोस्तों, मनी प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो आप हर 10 से 15 दिन में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जैसे कि DAP का यूज़ कर सकते हैं। DAP की 10 से 15 बॉल काफ़ी होती है, तो हर 10 से 15 दिन में इसका यूज़ कीजिए। इससे आपके मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो और भी अच्छी हो जाएगी। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये प्लांट भी गोल्डन मनी प्लांट के रेट के ही सेम होता है, और 70 से 80 रुपए में आप इसको खरीद करके ला सकते हैं। मनी प्लांट की फोर्थ वेराइटी ये है प्रिंस मनी प्लांट और एंजॉय पोथोस। फ्रेंड्स, प्रिंस मनी प्लांट की जो लीव्स होती है वो मनी प्लांट की अदर वेराइटीज से छोटी होती है, और ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसके साथ साथ इसकी जो पत्तियों का कलर होता है वो ग्रीन और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में आता है। दोस्तों, मनी प्लांट को मनी प्लांट कहने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि एक तो ये एयर प्योरीफायर प्लांट है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है और हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसलिए इस प्लांट को मनी प्लांट के नाम से कहा जाता है। अक्सर जब हम मनी प्लांट का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट होती है कि जैसे मनी मतलब पैसा, इस पौधे को लगा करके पैसा आएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये वाली वैरायटी भी आपको 70 to 80 रुपीज में किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगी। हमारे लिस्ट में लास्ट और 5th नंबर पे है सैटिन मनी प्लांट। दोस्तों,
ये जो प्लांट होता है इसकी जो लीव्स होती है उस पे वाइट कलर के डॉट्स होते हैं जो इसको अगर मनी प्लांट से कंपैरेटिवली डिफरेंट लुक देते हैं। दोस्तों मैंने अब तक आपको जितने भी मनी प्लांट्स बताए हैं इन सब की मेंटेनेंस सेम है। जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया है आप उसको इन सारे वेराइटीज में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मनी प्लांट्स को हेल्दी और बुशी कैसे बनाएं इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो आप लोगों के लिए बना करके रखा हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो आप वहां से जा करके वो वीडियो जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने मनी प्लांट को कैसी लोकेशन, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है अच्छी ग्रोथ के लिए, उन सारी बातों पर डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो जा करके ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने आसपास सफाई रखिए, देखते रहिए शाहजी गार्डन। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।